ये तो कुछ है ही नहीं, फटाफट करो, जल्दी करो। क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं, क्वाड्रेंट में आप समझ गए भाई, ये एक्स है, ये वाई है, क्या होता है क्या नहीं होता। इधर बहुत पॉजिटिव, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी था। यहाँ क्या होता है भाई, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, बस वही आप समझ गए। करिए पूरा आंसर निकालिए सही सही, ऑल ऑफ यू। व्हाट टाइम लगा रहे हो, काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप लोग। यस एवरीवन, हाँ जी, ये आपका आर हो गया स्मॉल में, और ये क्या है, दिस टी, अगेन एस इज मिसिंग है ना, ऐसे ही है। थोड़ी देर पहले तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो व्हाट इज एस स्क्वायर माइनस 4 RT। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो आपके साथ ही हैं, आपसे अलग हो गए हम भला कहाँ जाएंगे। कैपिटल आर, आर के साथ वाई, ठीक है ना, और ये आपका एक्स हो गया, सो दिस इज -4xy। अब सब कुछ लिख देते हैं भैया, सेकंड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट, ओके फाइन। इक्वल टू जीरो थोड़ी देर के बाद, तो वैसे पूछा गया हाइपरबोलिक तो पूछा है, हाइपरबोलिक के लिए तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, ये यही इतना ही किया आप लोगों ने, मैं तो सारे ही लिख रहा था, अरे इतना ही किया बाबा। दैट इज, हाँ दैट इज, हे प्रभु, सेम साइंस या ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट धन्यवाद। अब ऑपोजिट साइंस कहाँ कहाँ होते हैं, बस वो क्वाड्रेंट बता दो। यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ऑपोजिट के लिए क्लियर हो गया आपको, बस आ गया मजा। कितने आराम से क्वेश्चन हो गया, जो सोचा भी नहीं था वो आराम से हो गया। और तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, हाइपरबोलिक ही पूछे इसलिए एक ही ऑप्शन होगा सिंगल।